क्या हाल है भैया जी? एकदम बढ़िया भैया, मजा आ गया। मस्त सनसेट हो रहा है यहाँ पर, तो देख सकते हैं अभी आप भीड़ भाड़ कितना ज्यादा है। लिट्टी चोखा खाया अभी? एकदम खाया, मरीन ड्राइव पे बैठ के खाया। पटना में मन नहीं लग रहा है तो आइए नंबर पे पूरी गुड आफ्टरनून गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम पटना चल रहे हैं सिर्फ एक रीजन से, एक आदमी से मिलना था जिनका वीडियो मैं एक साल से ज़्यादा से देख रहा था, जो बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं, जो ब्लॉगिंग करते हैं बहुत ही अच्छा से ब्लॉगिंग करते हैं, और उनका रील्स बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप लोग भी बहुत सारे लोग उनको जानते ही होंगे। वो अभी इंडिया टूर में निकले थे, जो बहुत सारे स्टेट घूम चुके हैं, अभी बिहार में आए हैं। तो आज वो मीटअप रखे हैं गांधी मैदान में, तो वहीं चलते हैं। 5 बजे मीटअप है और अभी बज रहे हैं 3। यहाँ से हम लोग बस पकड़ेंगे, बस पकड़ के पटना जाएंगे। तो हाँ जी, अभी पटना जंक्शन पहुँच गए हैं, बहुत लेट पहुँचे हैं, अभी 5:20 हो रहे हैं। उनका गांधी मैदान में टाइमिंग था 5 बजे आने का, पर देखिए अभी 5:20 हो गए, बस बहुत लेट पहुँचा है यहाँ पर। तो चलिए अब यहाँ से ऑटो पकड़ते हैं गांधी मैदान के लिए। 5:30 हो गए हैं अभी, तो आधा घंटा लेट हो गया, देखते हैं अभी क्या होने वाला है यहाँ पर। देखिए गांधी मैदान में भी बहुत सारे लोग खेले हैं, वो रहा मेरे सामने स्टैचू, वहाँ चलते हैं, वहीं आए हुए हैं, देखते हैं अभी आए हैं कि नहीं। दूर से तो लग रहा है थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ है। तो उनका नाम बता देते हैं हम, उनका नाम है कैमरा वाले भैया, उनका ओरिजिनल नाम सोमेश पांडे है, जो वीडियोग्राफी करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, जो टीवी में एड्स देखते हैं ना गाड़ी उड़ी कंपनी का, जो कि सुजुकी मारुति ये सब जो है, तो वो सब का वो वीडियो बनाए हैं, और भी बहुत कुछ कर चुके हैं। और बहुत सारे बिहार के क्रिएटर लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर, तक उन लोग से भी मिलेंगे, बिहार के क्रिएटर से भी। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देखते हैं कैसा रहता है। मस्त सनसेट हो रहा है यहाँ पर, तो देख सकते हैं अभी आप भीड़ भाड़ कितना ज़्यादा है। तो वहाँ पर देखिए सोमेश जी हैं, 9,000 रुपये मेरा मुनाफा होगा। भैया जी धीरे धीरे प्लान बनाए, क्या इमोशन आप जगाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप अलग अलग तरीके से एडिट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या पसंद है। देखिए फोटोज को मल्टीपल टाइम क्लिक करते हैं, तो आपको अलग अलग इमोशन पता चलेगा। वीडियो चेंज नहीं होगी, आप वीडियो को चेंज कर पाओगे नहीं, वो आज जो 10 साल पहले अपलोड हुआ था वो वैसा ही रहेगा। क्या हाल है भैया जी? एकदम बढ़िया भैया, मजा आ गया। बिहार में गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, इंसान की गर्मी 45। भैया जी का बोला भैया, पटना में काबा कैमरा वाले भैया, अरे 5 रुपए की पेप्सी। बोलते हैं वीडियो में भैया खिलाने के लिए। एकदम भैया, बिहार में लिट्टी चोखा फेमस है, तो हाँ बिल्कुल, आप बोलते हैं आइए बिहार में खिलाने के खिलाइए। एकदम देखो, लिट्टी चोखा ही नहीं बहुत कुछ खिलाएंगे, एक तो कुजीन है बस लिट्टी चोखा, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। हम तो लास्ट ईयर पूरा एक फेस्टिवल उसको बड़ा ऑर्गेनाइज हम लोग पूरा उसमें किए थे लिट्टी चोखा में। आपको बिहार का एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अलग अलग तरीके की चीजों को देखने को मौका मिला। लिट्टी चोखा खाया? एकदम खाया, मरीन ड्राइव पे बैठ के खाया। कैसा लगा? बड़ा मजा आया। और कुछ अभी कल हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे अगर पटना शहर को, तो और चीजों को जानेंगे, यहाँ के कल्चर को जानेंगे, हिस्ट्री को जानेंगे, तो क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी जगह को जानने के लिए उस जगह को अच्छे से घूमना पड़ता है। तो अभी एक्सप्लोर करेंगे और अच्छे से, और बाद में फिर से आएंगे, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इन्होंने बताया कि ठंडी में आइए, फिर मानसून में आइए, तो वो भी हम कोशिश करेंगे। तो भैया लिट्टी चोखा खाया आप यहाँ का? हाँ, मरीन ड्राइव परसों घुसते ही पहला। कैसा लगा आपको? बढ़िया, पहली बार जिंदगी में खाया, वो भी बिहार का। अच्छा, एक मेजर स्टेट है इंडिया का, वो कवर नहीं करेगा तो फिर डॉक्यूमेंट्री अधूरी रहेगी। डॉक्यूमेंट्री का नाम भैया चौरा, जरूर देखिएगा कैमरा वाले भैया। भैया जी हम अभी भोकाल में पहुंचे, भैया के पास है अशहान भाई। अशहान भाई हमसे मिलने आया, इन्होंने हमें कहा कि चुन्नी लाल का डायलॉग बोलने के लिए, तो ये रहा डायलॉग, चुन्नी लाल का चू चू भुका रहा है। एक बार बोरिंग पटना में मन नहीं लग रहा है तो आइए नंबर पे बोरिंग। वहाँ पर देखिए भोकाल मचाओ जी, वहाँ पर हैं बहुत सारे लोगों से फोटो वीडियो ले रहे हैं, अभी जो बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है इनका, वीडियो अच्छा बनता है। और देखिए ये गांधी जी के स्टैचू के सामने हैं अभी, तो इनका वीडियो यार मुझे तो अच्छा लगता है यार, बहुत फनी इंसान है, अच्छा वीडियो बनाते हैं। तो हाँ जी, अब घर जाने का वक्त हो चुका है, मैंने बिहार के बहुत सारे क्रिएटर से मिला, जैसे कौरमी कौशिक भैया जी से, भोकाल मचाओ जी से, साहिल शॉर्ट्स से, एक बिहारी क्रिएटर से सोमेश भैया थे जो कैमरा वाले भैया हैं,
जोगी फिल्म जो है बेचारे उनसे भी मिले, तो भाई बहुत अच्छा लगा। तो कैमरा वाले भैया जी आए थे बिहार, तो उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा दिल से। मुझे एक ख्वाहिश था, जब से उनसे वीडियो देख रहा था तब से सोचा था कि मिलूंगा, मिल लिया, बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत सारे लोगों से मिला तो बहुत अच्छा लगा दिल से। एक बिहार के बहुत सारे क्रिएटर आए जो हमें बहुत अच्छा लगा, जिनका वीडियो देखते हैं हम, रील्स देखते हैं, जो इंस्पिरेशन है हम लोग के, तो वो अच्छी बात है यार। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।